नमस्कार, सच कहूं बुलेटिन में आपका स्वागत है। आइए नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। केंद्र सरकार का फैसला, जनरल विपिन रावत बनेंगे देश के पहले CDS। सेनाध्यक्ष जनरल विपिन रावत को देश का पहला चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ बनाया गया है। केंद्र सरकार ने रविवार को ही CDS के पद के लिए उम्र की सीमा बढ़ाई है। वही 31 दिसम्बर को सेनाध्यक्ष के पद से सेवानिवृत्त हो रहे हैं। उनके स्थान पर मनोज मुकुंद नरवाने नए सेनाध्यक्ष का पद संभालेंगे। ममता ने फिर किया नागरिक कानून का विरोध, कहा भाजपा को अकेला करने के लिए आए साथ। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी लगातार नागरिकता संशोधन कानून CAA का विरोध कर रही है। पुरुलिया में उन्होंने एक रैली को संबोधित किया, जिसमें उन्होंने लोगों से भाजपा के खिलाफ साथ आने और पार्टी को अलग थलग करने की अपील की। अब खबरें हरियाणा प्रदेश से। प्रदेश भर के RTA दफ्तरों पर CM फ्लाइंग का छापा, कैथल में शराब की खुली बोतलें मिली। हरियाणा के कैथल, रेवाड़ी, सिरसा, सोनीपत, फतेहाबाद, पानीपत समेत प्रदेश भर के जिला के RTI दफ्तरों में CM फ्लाइंग का छापा पड़ा है। सुबह सुबह दफ्तर खोलते ही CM फ्लाइंग दफ्तरों में पहुंच गई। इस दौरान बहुत से कर्मचारी दफ्तर में नहीं पहुंचे, कुछ जगह तो इक्का दुक्का कर्मचारी मौजूद मिले। वहीं कैथल के RTI दफ्तर के अंदर से खाली शराब व बियर की बोतलें मिली हैं। फ्लाइंग ने सभी दफ्तरों में हाजिरी ली और उनका कहना है कि इसकी रिपोर्ट बनाकर CM को सौंपी जाएगी। CM फ्लाइंग की छापेमारी की खबर जैसे जैसे कर्मचारियों तक पहुंची तो कर्मचारियों में हड़कंप मच गया। जनसंपर्क विभाग के 13 तबादले, 7 DIPRO, 3 APRO समेत 3 अधिकारी भी शामिल। हरियाणा के सूचना एवं जनसंपर्क विभाग में सोमवार को 13 तबादले हुए। विभाग के SES राजेश खुल्लर द्वारा जारी किए गए आदेश में 17 DIPRO, 3 APRO, 1 ज्वाइंट डायरेक्टर व 1 डिप्टी डायरेक्टर और 1 ICA शामिल हैं। करनाल में पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की 14 फुट ऊंची प्रतिमा, CM ने किया अनावरण। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने 56 लाख रुपए की लागत से पूर्व प्रधानमंत्री भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी की 14 फुट ऊंची कांस्य प्रतिमा का अनावरण किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि अटल बिहारी वाजपेयी हमारे प्रेरणा स्रोत रहेंगे। हुण खबर पंजाब प्रदेश तो। सड़कां ते उतरे कैप्टन दी अगवाई च कांग्रेसी। पंजाब कांग्रेस ने आज नागरिकता शोध कानून खिलाफ रोष मुजाहरा किया। इस रोष मुजाहरे दी अगवाई मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ते पंजाब कांग्रेस दे प्रधान सुनील जाखड़ ने कीती। इस मौके पंजाब भर दे सीनियर कांग्रेसी लीडर लुधियाना विच इकट्ठे हुए हन। सुखजिंदर रंधावा खिलाफ डटी श्रोमणी कमेटी। श्रोमणी अकाली दल दे नाल ही श्रोमणी कमेटी भी कैबिनेट मंत्री सुखजिंदर रंधावा खिलाफ डट गई है। उधर रंधावा ने पुलिस कोल शिकायत करके दावा किया है कि शरारत नाल उन्हां दी 2 साल पुरानी वीडियो नू एडिट करके उन्हां दा अक्ष खराब किया जा रहा है। सब्सक्राइब नाउ एंड प्रेस द बेल आइकन, नेवर मिस एन अपडेट।